नवंबर के महीने में लोगों को इंतजार रहता है कि कब बारिश होगी, कब उनको बर्फ देखने को मिलेगी। सोलन के लोग भी इसी आस में बैठे हुए थे, लेकिन 31 दिसंबर भी चला गया, लेकिन अचानक आज 2 जनवरी के दिन आज बरसात हुई है। बरसात के बाद ओले पड़े हैं, लोगों के दिलों में बहुत खुशी है कि अब उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं सोलन में उनके लोगों का कैसे खुशी मना रहे हैं और क्या है उनका हाल। सर, जैसे कि यहाँ पर आज ओले भी पड़े हैं और बरसात भी हुई है, तो इस पर आपको क्या लग रहा है? आज हम इसको वरदान मान रहे हैं, ईश्वर का वरदान मान रहे हैं, वरुण देवता का वरदान हम मान रहे हैं। इसलिए भी कि खुश्क ठंड से अनेक सी बीमारियां पनपने लगी थी, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बरसात यहां बरस रही है, इससे हमारे को बहुत लाभ होने वाला है और किसानों और बागवानों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है इस तरह की वर्षा होना, क्योंकि उनकी फसलें, उनकी उपज जो मटर है हमारे कैश क्रॉप उसकी और बढ़ गई है उनकी और किसानों और बागवानों की उम्मीदें। तो ये इस वर्षा को हम वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छा जो हमारी जानियाँ सूखने वाली थी खुश ठंड के कारण उनमें भी हम नवजीवन दे रहे हैं। तो आपको खुशी भी हो रही है, जैसे 31 दिसंबर तो निकल गया, हाँ। लेकिन आज 2 जनवरी है, हाँ। और ओले भी पड़े हैं, हाँ, कि इन भीगी हुई कोंपलों को जरा कहर तो देखिए, इन भीगी हुई कोंपलों का जरा कहर तो देखिए, और बाहर को यदि देखना तो बाहर से देखिए। सचमुच आप मुझे देख रहे हैं, मैंने छतरी नहीं ओढ़ी है, बल्कि मैं पूरा आनंद उठा रहा हूँ इस मौसम का। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 14 जनवरी से पहले पहले बागी लोहड़ी को जो है उससे पहले पहले बर्फ पड़ जाएगी, और जो हमारे सैलानी भाई बाहर से आ रहे हैं उनके लिए